गाइस द नॉट फैक्ट जियर। तो इस वीडियो हम लोग बात कर रहे हैं एलवी शादो के बारे में। तो क्या एलवी शादो आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं? उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताते हुए कहा कि वो आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं और उनका जो एलवी शादो फाउंडेशन है उसे भी वो बनाने वाले हैं। मैं आपको उनके व्लॉग की छोटी सी क्लिप दिखा देता हूं। आजकल मेरे को पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया है कि कैसे-कैसे पॉलिटिक्स क्या होती है। मतलब बालक हूं ना मैं इन चीजों में, वैसा कायदे से देखा जाए तो हूं तो छोटा ही कि पॉलिटिक्स होती क्या है, पॉलिटिशियन की लाइफ कैसी होती है, जैसे मूवीज में होता है वैसे होता है, कई बहुत सारी चीज़ आज मैंने देखी कि कैसे कैसे होता है। और तुम लोग चाहोगे तुम्हें भी बताऊंगा मैं कि जैसे कई नेता नूरह में ना कि भाई नेता खराब आदमी कई नेता नूरह कि बहुत बढ़िया आदमी है। तो अलग अलग राकेश यादव फाजिलपुर से, मतलब भाई वैसे अपने बड़े भाई हैं पार्षद हैं, तो उनके साथ बैठा हुआ था मैं कि कैसे कैसे वो पूछ रहे थे मेरे से कि जो एलवी शादो फाउंडेशन है मेरा कि भाई कैसे कैसे क्या कर रहे हो, क्योंकि वो भी सोशल वर्क करते हैं। तो हमने सोची भाई साथ में मिल के करना चाहिए कुछ, मतलब और बड़े स्केल पे। मतलब सपोज हम एक काम कर रहे हैं वो छोटे लेवल पे है, तो मान लो वो जुड़ गए तो उनका काम भी जुड़ गया, हमारा भी जुड़ गया, तो बड़े लेवल पे हो गया और ज़्यादा लोगों की हेल्प हो गई।